है अत्रि ग्रहे सुरश्रेष्ठ। महात्मा अत्रि की जो पत्नी है माता अनुसुईया, ये पतिव्रता है और इतनी बड़ी पतिव्रता है कि एक बार क्या हुआ कि गंगा महारानी को पाप लग गए। जो गंगा पतित पावनी है, दुनिया को पाप से मुचित करती है, जो गंगा सब पाप विमोचनी है, जिनके दर्शन मात्र से गंगे तब दर्शनात मुक्ति है, उन गंगा को पाप लग गए। कैसे? लोगों ने पाप करे और गंगा जी को दे दिए। गैया मर गई, गंगा नहा लो। कुत्ता मर गया, गंगा नहा लो। और महाराज बेली मर गई, कुत्ता महाराज गंगा नहा लो। जब हर जगह लोगों ने पाप कर करके गंगा जी को दे दिए तो गंगा जी को पाप लग गए। अब गंगा के पाप कैसे मुचित हो? तो किसी ने कहा कि अगर कोई पतिव्रता माता थोड़ा सा जल तुम्हारे ऊपर मार्जन कर दे तो गंगा के पाप क्षय हो जाएंगे। तो ऐसी पतिव्रता कौन है? बोले चित्रकूट में महारानी अनुसुईया। तो गंगा मैया गई और अनुसुईया मैया से प्रार्थना की, माँ अगर आप सच्ची पतिव्रता हो तो थोड़ा सा जल हमारे ऊपर मार्जन कर दो। तो अनुसुईया जी ने कहा, देखो हम सच्ची हैं कि नहीं है तो हमें नहीं पता, लेकिन जल हम मार्जन कर देंगे। हाथ में जल लिया और अपने पत्नी के चरणों का ध्यान किया। क्या बोली? बोली, जो मोरे मन कर्म से हो पति आधार। अगर मेरे मन वचन का वाणी से केवल मेरा पति ही मेरा आधार हो तो जो मोरे मन कर्म से हो पति आधार तो गंगा के पाप सब हो जाए जरी छारे। जैसे ही जल मारा तो गंगा की तो धारा ही बदल गई। क्या नाम पड़ गया? बोले सुरसरी धार नाम मंदाकिनी। सुरसरी धार नाम मंदाकिनी गंगा की ही है, लेकिन नाम रख दिया गया मंदाकिनी गंगा। आपको पता है ये कहां है मंदाकिनी गंगा? कहां पर है? चित्रकूट में। ये वही है मंदाकिनी सुचिराम घाट पर प्रगटे रघुकुल नंदन। बोले मधुर वाणी में राघव बाबा दे दो चंदन। सुनकर दशा आपकी भई बहुत विभवल सी गुण गावत सीता राम जी के। सदगुरु सरल संत सुचि चक्रवर्त सुचि तुलसी गुण गावत सीता राम जी के। ये वही मंदाकिनी है। कौन? चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास। जब कृपा भई रघुनाथ की तो बन गए तुले सीदास। बोल मंदाकिनी गंगा की जय हो। चित्रकूट धाम की जय हो। कामतानाथ महाराज की। महाराज ये मंदाकिनी गंगा है। तो आज अनुसुईया का यश देश विदेश में फैलने लगा। हर जगह एक ही चर्चा, अनुसुईया पतिव्रता, अनुसुईया पतिव्रता। गंगा को माने जे पाप क्षय कर दिया, अनुसुईया पतिव्रता। तो एक दिन नारद जी महाराज कैलाश पर्वत पर पधारे। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी